तो अब शुरू करते हैं स्टोरी, कल क्या हुआ। ये जगह मुझे बेटर लगी वीडियो बनाने के लिए, पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है। ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित रेस्ट हाउस, TRC बोलते हैं इसको यहाँ पे। और ये जिस रोड पे है ये वन वे रोड है, कल मुझे पता चला आके। तो हुआ ऐसा, मैं निकला सुबह नैनीताल से, नैनीताल से निकला तो मैं रास्ते में कुछ छोटे 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 बड़े गांव क्रॉस करता आ रहा था। रोड अच्छी थी नो डाउट। जब हम पहुंच गए यहाँ पिथौरागढ़ से 30 किलोमीटर जब मैं पीछे था, तब क्योंकि वो रोड को वाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे काम चल रहा था। अब काम चल रहा था तो हमें पहला ट्रैफिक जाम वहाँ पे मिला। वहाँ पे हमें खड़ा होना पड़ा कुछ 45 to 50 मिनट्स वहाँ लगे। आगे जाम लगा हुआ है पिथौरागढ़ से कुछ 25 किलोमीटर पहले। सारे बाहर निकल के सभी यहाँ साइड में बैठे हैं, कहते 15 से 20 मिनट और लगेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले, 3 से 4 किलोमीटर बाद फिर से एक और जाम सेम, वहाँ पे हमें फिर 30-40 मिनट्स के लिए खड़ा होना पड़ा। तो हमारे जो जो मैंने प्लान किया था टाइम, उसमें हो गया करीब 1.5 से 2 घंटे की देरी। अब इस टाइम पे हमें शाम हो गई, मुझे पिथौरागढ़ पहुंचना था अराउंड 4:30 बजे और मैं पिथौरागढ़ पहुंचा हूँ शाम को 6:30 बजे। अब जब मैं पिथौरागढ़ में एंटर हुआ, क्योंकि पिथौरागढ़ बहुत बड़ा है और बहुत रश है यहाँ पे, तो अब रोड से होता होता यहाँ पे, पहली बात यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बहुत कम है, जियो यहाँ पे है नहीं, और BSNL का यहाँ पे इंटरनेट 3G चलता है थोड़ा बहुत। वोडाफोन 4G वर्क कर रहा था बाहर तक, एयरटेल का मैंने चला के देखा नहीं, तो इसलिए मैप्स में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। वोडाफोन 4G से मैं किसी तरह मैप्स चलाता चलाता मैंने TRC सर्च किया, जो है पिथौरागढ़ पे KMVN TRH पिथौरागढ़, इस नाम से गूगल पे लिस्टेड है। तो मैंने ये सर्च किया, यहाँ का रास्ता था कुछ अराउंड नीचे से था 4 किलोमीटर्स, 3 to 4 किलोमीटर्स। तो मैं आया, 1 किलोमीटर जब ये रह गया तो मुझे पता चलता है एक चौक पे मैं आया हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चलता है सीधा 1 किलोमीटर है। अब वहाँ से वहाँ लगा हुआ है एक बैरिकेड कि इसके आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि ये वन वे है। अब शाम के बज गए थे 7, बस स्टैंड से घूम के जा सकते हैं लेकिन पहुँचने में आपको 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। अब मैंने सोचा कि ओयो से बुकिंग कराता हूँ। ओयो से मैंने यहाँ के बेस्ट होटल में बुकिंग कराई, जो था सुमेरु रिजॉर्ट, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। एक्चुअली मैंने ओयो से पहले बुकिंग कराई सुमेरु रिजॉर्ट पिथौरागढ़ की, जो पिथौरागढ़ से 6 किलोमीटर आगे है। अब मैंने प्री पेड कर दिया उसको, पेमेंट कर दी मैंने। पेमेंट करने के बाद मुझे ईमेल आती है कि 1 रुपीज़ बैलेंस अमाउंट बचा है। अब वो 1 रुपी पे करने का मेरे पास कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने कॉल किया ओयो में तो वो कहते हैं कि पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऑप्शन नहीं है, तो वो कहते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं इस बुकिंग को और आपके लिए नई बुकिंग कैश वाली बना सकते हैं, आप वहाँ पे जाके पे कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, गो अहेड। आधा घंटा इसमें लगा और उन्होंने नई बुकिंग क्रिएट कर दी मेरे लिए। और मुझे फिर कॉल आया ओयो की तरफ से कि आज आपको ओयो प्रॉपर्टी में स्टे करना ही पड़ेगा, वरना आपका जो लास्ट अमाउंट जो आपने पे किया था, जो बुकिंग कैंसिल करवाई है, वो वापस नहीं हो पाएगा। फिर मैं ठीक है, फिर मैं पहुंच रहा हूं। अभी इस प्रोसेस में बज गए हैं 7:45, 7:30 से 8:45 बजे मैं पहुंच गया ओयो सुमेरु रिजॉर्ट पे। रोड बहुत ही, मतलब ये थी धारचूला रोड से मैं होके वहाँ पहुँचा हूँ और रोड काफ़ी डार्क थी, तो पहुँच गए। वहाँ पहुँचा मैं, बिल्कुल होटल बड़ा है, खाली था बिल्कुल। अंदर रिसेप्शन पे पहुँचा, रिसेप्शन पे कोई था नहीं, तो 2-3 जो मैनेजर थे वहाँ पे खड़े थे, तो उनसे बात की। वो कहते हैं हम ओयो की बुकिंग नहीं एक्सेप्ट करते। तो मैंने पूछा कब से, वो कहते हैं 1 महीने से, और हमारे पास तो टाई अप जो हमारा कैंसिल हो चुका है और हमारे पास पेपर भी आ चुका है, ओयो से बात करो। मैंने ओयो में कॉल किया, ओयो में कॉल करके मेरी जिससे बात हुई वो कहते हैं हम अपने सीनियर से बात करा देते हैं। और सीनियर से मैंने बात की, सीनियर के साथ मैं कॉल पे रहा, वो कहते हैं हम आपको किसी और प्रॉपर्टी में शिफ्ट करा सकते हैं। यहाँ पे बाकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ओयो की यहाँ पे देखी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो मार्केट के बीच में है, कोई सोल्यूशन ही नहीं था इस बात का। फिर उन्होंने कहा कि फिर भी वेट करिए कॉल पे और मैं पता करके एक बार आपको बताता हूँ। तो मैंने कॉल पे वेट किया
तो मैंने कॉल पे 10-15 मिनट वेट किया। 10-15 मिनट वेट करने के बाद वो कॉल कट हो गई उनकी तरफ से और मुझे कोई कॉल बैक नहीं आई। मैं फैमिली के साथ था और उस टाइम पे उस जंगल में जहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है ठीक से, मैं वहाँ रुक नहीं सकता था। तो मैं वापस आया पिथौरागढ़ में और TRC मैंने फिर से सर्च किया एक बार इंटरनेट चला के। जब आके पिथौरागढ़ में एंटर करने पे मेरा 4G वोडाफोन 4G थोड़ा सा काम किया और मैं यहाँ पहुँच पाया, क्योंकि 7:30 बजे वो जो वन वे वाला रास्ता था वो खुल चुका था। तो बिल्कुल सीधा मैं, हार्डली मुझे 5 मिनट लगे पिथौरागढ़ में एंटर करने के बाद यहाँ पहुँचने में, और मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँच के मैंने चेक इन किया, रूम्स ठीक हैं, थोड़े से मेंटेनेंस की ज़रूरत है जो कि स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले मैं नैनीताल TRC में भी रुका था, वहाँ भी मेंटेनेंस स्टार्ट हो रही है। और कल लास्ट डे था जो रूम का रेंट था वो कम था, आज रूम का रेंट ज़्यादा हो जाएगा। 1 अक्टूबर से नया सीज़न लग रहा है यहाँ पे। और ये पीछे देख सो, ये सारा TRC की प्रॉपर्टी है। बुकिंग जब किया TRC का तो मुझे ठीक है मिल गया, मैंने यहाँ पे जो सुपर डिलक्स रूम है वो लिया है। और अभी सुबह के बजे हैं 6:30, मैं बाहर घूम रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए आया था। पीछे से सारा पिथौरागढ़ दिखता है बट मैंने वो वाला रूम नहीं लिया, मुझे उसकी फ्लोरिंग पसंद नहीं आई। इतना मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी देख लो। अभी यहाँ से निकलना है मुझे मुंशियारी, पता नहीं 3-4 रास्ते हैं, पता करना पड़ेगा मुझे बस स्टैंड पे जाके कि कौन सा रास्ता बेटर है। तो चलो बात करते हैं फिर आगे जाके। मोस्तया मनु टेम्पल पिथौरागढ़ इस टाइम बहुत ही अच्छा। तुम दूसरे टेम्पल पे जाऊंगा इसके बाद, पर पहले चढ़ाई है 200 मीटर की, चलते हैं तेज तेज, तो नहीं चल सकते स्लो स्लो। बहुत डाउन से हम आए, एकदम से चढ़ाई थी, देखो ये वाली रोड से नीचे, वहाँ से हम आए हैं। ओके
सारा सिटी का व्यू। तो बहुत ही अच्छा टेंपल, कामाख्या टेंपल। और ये है मेरे हालात इस टाइम के कामाख्या देवी मंदिर पे, और ये है चारों तरफ का व्यू, बढ़िया है। ये लंबी वाली जो लाइन दिख रही है, ये शायद एयर स्ट्रिप है नैनी सैनी एयरपोर्ट की। छोटे वाला 9 सीटर प्लेन यहीं पर उतरता है।